वेलकम टू माय चैनल फन फूड्स विद कुसुम। हाय फूडीज, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर से आपके लिए माइक्रोवेव से रिलेटेड हैक्स और छोटी छोटी रेसिपीज़ लेके आई हूँ, जो आपके बहुत काम आने वाला है। आपका बहुत टाइम तो बचाएंगे ही, साथ में आपको बहुत मज़ा भी आने वाला है इनको बनाने में। इससे पहले भी मैंने माइक्रोवेव हैक्स रिलेटेड पार्ट वन बनाया था, जिसमें आप लोगों का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था। उसमें आपके बहुत कमेंट्स आए थे कि इसी तरीके की रेसिपीज़ आपको और भी चाहिए, तो आज मैं पार्ट टू लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए फिर मेरे साथ शुरू करते हैं इन रेसिपीज़ और हैक्स को। फ्राइम्स किसको पसंद नहीं आते, रंग बिरंगे कलरफुल बहुत ही सुंदर फ्राइम्स जो मार्केट में मिलते हैं, और बच्चों की तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होते हैं। लेकिन इनको डीप फ्राई करने की वजह से ये हेल्दी नहीं रह जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि माइक्रोवेव में केवल आप एक मिनट में विदाउट डीप फ्राई के किस तरीके से इनको बना सकते हैं, और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आपके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया हैक है। अब हम माइक्रो कर लेते हैं फ्राइम्स को। तो फ्राइम्स को डाल देते हैं हम डायरेक्ट टर्न टेबल के ऊपर, और सारे फ्राइम्स को हम इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे, और उसके बाद हम माइक्रोवेव को बंद करेंगे। और एक मिनट के लिए हमें माइक्रो करना है। हाई टेम्परेचर रखेंगे हम यहाँ पर अवन का, और एक मिनट का टाइमर सेट कर देंगे। एक मिनट कंप्लीट हो चुका है, फ्राइम्स हमारे यहाँ पर एकदम रेडी हैं। तो निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में, और ये देखिए कितने क्रिस्पी यहाँ पर एक मिनट में फ्राइम्स बनके तैयार हैं। तो बस आप इसी तरीके से ये फ्राइम्स तैयार करिए, ना तलने का झंझट और ना ही हेल्थ की टेंशन। तो आप इस टिप को ज़रूर ट्राई करिएगा। स्पाइसी और चटपटा पापड़ किसको पसंद नहीं आता, चाहे वो हमें मेन कोर्स में लेना हो या फिर उसको लेना हो हमें स्टार्टर के रूप में। तो माइक्रो करेंगे हम पापड़ को एक मिनट के लिए। चाहे तो आप डायरेक्ट इसे टर्न टेबल के ऊपर रख दें, या आप किसी भी माइक्रो सेफ बाउल या गिलास में कोई सी भी इसको शेप दे सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर स्टार्टर बना रही हूँ तो मैं एक बाउल में रख रही हूँ। इसको देंगे हम एक बास्केट का इस तरीके से शेप, और इसको करेंगे हम एक मिनट के लिए माइक्रो। बाउल को रख देते हैं हम माइक्रोवेव के अंदर, और हाई टेम्परेचर पे हम एक मिनट का टाइम लगा के पापड़ को माइक्रो कर लेंगे। एक मिनट कंप्लीट हो चुका है, पापड़ हमारा यहाँ पर एकदम तैयार है। ये देखिए इसने एक बास्केट की शेप ले ली है। तो अब हम करेंगे पापड़ की टॉपिंग तैयार। पापड़ की टॉपिंग के लिए एक बाउल में डालूंगी मैं यहाँ पर बारीक कटा खीरा, बारीक कटा टमाटर, आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते हैं, मैंने अवॉइड किया है प्याज। उसके बाद इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक जाएगा। उसके बाद इसमें आधी चम्मच डाली है मैंने चाट मसाला, आधी चम्मच डाला है मैंने लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम थोड़े से अनार, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, और उसके बाद जो हमारी तैयार बास्केट है पापड़ की उसके अंदर सारी टॉपिंग डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी होता है ये खाने में। उसके बाद इसको हम गार्निश करेंगे यहाँ पर अनार से, और ये देखिए यहाँ पर हमारा स्टार्टर तैयार हो गया है। और इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर आप बादाम भिगाना भूल गए, या इमरजेंसी में आपको किसी भी रेसिपीज़ या खाने के लिए भीगे हुए बादाम की ज़रूरत पड़ती है, तो इमरजेंसी में ये टिप आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आप माइक्रो सेफ बाउल ले लीजिए, पानी ले लीजिए उसमें, और बादाम डाल के इसको हमें एक मिनट के लिए माइक्रो करना है। तो हाई पावर पर यहाँ पर हम एक मिनट के लिए माइक्रो कर लेते हैं। एक मिनट में हमारे भीगे हुए बादाम तैयार हैं। टाइमर कम्प्लीट हो चुका है, तो बादाम हमारे यहाँ पर ये देखिए एक मिनट में भीग के एकदम तैयार है। देखिए छिलका कितना इजीली इनका निकल रहा है। तो इस टिप का आप यूज़ कर सकते हो जब भी आपको इमरजेंसी है। तो ये देखिए ये टिप आपके बहुत काम आएगी, ट्राई ज़रूर करिएगा आप इस टिप को। तो यहाँ पर भीगे हुए बादाम एकदम रेडी हैं। गर्मा गर्म मसाला स्वीट कॉर्न हम सभी का फेवरेट होता है, तो आज हम सिर्फ एक मिनट में माइक्रोवेव पे बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाएंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है माइक्रोवेव से, बटर डाल दिया है आधा चम्मच, और फ्रोज़न स्वीट कॉर्न डाले हैं मैंने, बटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको माइक्रो के अंदर रख देते हैं, और हाई टेम्परेचर पे एक मिनट के लिए हम स्वीट कॉर्न माइक्रो कर लेंगे। एक मिनट कंप्लीट हो चुका है, कॉर्न हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयार है, निकाल लेते हैं। और ये देखिए कॉर्न कितने बढ़िया यहाँ पर सॉफ्ट हुए हैं, क्योंकि हम मसाला स्वीट कॉर्न बना रहे हैं तो मसाले ऐड कर देते हैं। इसके अंदर डाल रही हूँ मैं सेजवान चटनी, इसके बाद इसमें डालेंगे टमाटो सॉस, इसके बाद इसमें डालेंगे हम नमक, उसके बाद इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला। अच्छे से इन सबको हम यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं, और यहाँ पर डाला है मैंने रेड चिली पाउडर। मिक्स करने के बाद इसके अंदर डालेंगे हम रेड चिली फ्लेक्स, और मैं डाल रही हूँ यहाँ पर मिक्स हर्ब्स,
और ये टोटली ऑप्शनल है, तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद एक सर्विंग बाउल में लेते हैं, जो भी चीज़ आपके पास हो वो सारी चीज़ें मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पर गर्मा गर्म चटपटा हमारा स्वीट कॉर्न बनके तैयार हो गया है। तो है ना, ये एक चटपटा और स्पाइसी है। यहाँ पर मेरे पास कुछ ये लाल मिर्च है जो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट और एकदम लूज़ हैं, आप देख रहे हैं। तो इनको हम बहुत ही क्रिस्पी बनाएंगे सिर्फ एक मिनट में। तो माइक्रो कर लेते हैं हम इसको, तो टर्न टेबल के ऊपर डायरेक्ट मिर्च डाल देते हैं और माइक्रो मोड पे हम हाई टेम्परेचर पे एक मिनट के लिए मिर्च को माइक्रो कर लेते हैं। टाइमर कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर मिर्च हमारी एकदम तैयार है। तो निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में मिर्च को। मैं दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी हमारी यहाँ पर मिर्च बनके तैयार हुई है। तो इनको आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, कड़ी में, सांभर में, चटनी में, या फिर आप इसके रेड चिली फ्लेक्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रेड चिली फ्लेक्स बना रही हूँ और ये देखिए एक मिनट में हमारे यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स बनके तैयार हो गई है ना, बहुत ही काम की टिप। अब बनाएंगे हम यहाँ पर पोहा नमकीन माइक्रोवेव में, वो भी केवल एक मिनट में। तो यहाँ पर मेरे पास ये नॉर्मल पोहा है जिससे हम पोहा बनाते हैं ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ पर हम एक माइक्रो से बाउल ले लेंगे, उसमें डालेंगे यहाँ पर 2 चम्मच बटर, आप चाहे तो घी या तेल ले सकते हैं। पोहा ऐड कर लेंगे, अच्छे से पोहे को हम बटर के साथ मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर पोहा एकदम तैयार है, तो माइक्रोवेव के अंदर डालते हैं। और अब हम क्या करेंगे कि माइक्रो मोड पे एक मिनट के लिए हाई पावर पे इसको रोस्ट करेंगे। एक मिनट में ये हमारा पोहा यहाँ पर रोस्ट होके तैयार हो जाएगा। एक मिनट कंप्लीट हो चुका है, पोहा हमारा यहाँ पर प्रॉपर रेडी है नमकीन बनाने के लिए। तो ये देखिए कितना बढ़िया रोस्ट हुआ है पोहा, बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी बना है पोहा। अब हम नमकीन बनाएंगे पोहे की, तो इसके अंदर ऐड करेंगे हम यहाँ पर सेव, और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम चना दाल नमकीन। तो ये टोटली ऑप्शनल है, डालिए आपके पास जो भी चीज़ें आप वही इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर डालूंगी मैं रोस्टेड मूंगफली, उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम किशमिश, और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम काजू। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। अब डालेंगे हम इसके अंदर नमक, स्वाद के अनुसार आप ऐड करिएगा। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर। अच्छे से मसाले मिक्स कर लेंगे हम मिक्सर के साथ। और ये देखिए यहाँ पर एकदम चटपटा और टेस्टी और एकदम क्रिस्पी नमकीन हमारी बन के तैयार हो गई। तो इसको आप इंजॉय कर सकते हैं इवनिंग चाय के साथ, तो है ना एकदम काम की टिप। अक्सर क्या होता है कि फ्रिज में पड़े पड़े नींबू हमारे इस तरीके से सूख जाते हैं, इनका रस भी एकदम ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया टिप है कि आप नींबू को इस तरीके से काट लीजिए, माइक्रोवेव से बाउल लीजिए, और इसको हमें माइक्रो करना है सिर्फ 30 सेकंड के लिए। तो हम हाई पावर पे माइक्रो मोड पे इसको माइक्रो कर लेंगे। टाइमर कंप्लीट हो चुका है, नींबू निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया यहाँ पर सॉफ्ट हो गए हैं, एकदम हार्ड हो गए थे, सूख गए थे यहाँ पर नींबू। तो निकाल लेते हैं हम इनका जो जूस है अलग कटोरी में। तो ये देखिए एकदम सूखे हुए नींबू से कितना ज़्यादा यहाँ पर जूस निकल के तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप सूखे हुए नींबू को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल पफ्ड राइस लिया है, यानी मुरमुरे। मुझे भेल चाट बनानी है, लेकिन जो ये पफ्ड राइस हैं बहुत ही ज़्यादा स्वैगी हो रखे हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सिले सिले लग रहे हैं। और भेल चाट एकदम चटपटी वाली जो हमें बनानी है वो बनते हैं एकदम क्रिस्पी पफ्ड राइस के। तो अब हम इनको माइक्रो करेंगे। देखिए मैंने माइक्रो में पूरा बाउल डाल दिया है, माइक्रो मोड पे हम इसको 1 मिनट 30 सेकंड के लिए हाई पावर पर माइक्रो कर लेंगे। टाइम पूरा हो चुका है, तो बाउल निकाल लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पफ्ड राइस हैं कितने बढ़िया क्रिस्पी बन गए हैं केवल 1 मिनट 30 सेकंड में। अब बनाएंगे हम यहाँ पर चटपटी भेल चाट। तो हम जो पफ्ड राइस है उन्हें ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम बारीक कटी प्याज, बारीक कटा एक टमाटर डालेंगे, बारीक कटा इसमें मैं खीरा डाल रही हूँ, और उसके बाद इसके अंदर बारीक कटी मिर्च डाल रही हूँ, हरी मिर्च डाल रही हूँ मैं। इन सबको हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे हम यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक, और इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला, इसके अंदर डालेंगे हम 1 चम्मच नींबू का रस, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये जो नमक और चाट मसाला और नींबू है अच्छे से मुरमुरों के साथ लग जाए। उसके बाद इसमें डालेंगे हम नमकीन सेव, उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम यहाँ पर नमकीन मटर, और उसके बाद इसके अंदर जाएगा चना दाल।
बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। ये चने दाल की नमकीन है। उसके बाद हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब डालते हैं हम थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए अनार और मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा मुरमुरों के साथ। और यहाँ पर हमारी ये चटपटी भेल चाट बनके तैयार हो गई। सर्विंग बाउल में डाल देते हैं और ये देखिए झटपट से हमारी यहाँ पर भेल चाट बनके एकदम तैयार है। गार्निश कर लेते हैं हम अनार के दानों से। तो ट्राई ज़रूर करिएगा आप इस रेसिपी को भी और इस टिप को भी। माइक्रोवेव में बनाएंगे हम झटपट से बनने वाला ये मैक्रोनी पास्ता, जो बच्चों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है। तो मैक्रोनी पास्ता डाल दिया है मैंने एक माइक्रोवेव से बाउल में। पानी डालेंगे इसमें इतना ताकि मैक्रोनी डूब जाए, बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। आधी चम्मच तेल और आधा चम्मच नमक डाल के हम इसको माइक्रो कर लेते हैं। बाउल को डाल देते हैं माइक्रोवेव के अंदर और उसके बाद माइक्रो मोड पे हाई पावर पे हम 3 मिनट के लिए माइक्रो कर लेंगे मैक्रोनी को। और 3 मिनट के बाद फिर हम मैक्रोनी को चेक करेंगे। 3 मिनट के टाइम के बाद हम मैक्रोनी को थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और वापस फिर इसको बंद करेंगे। हाई पावर पे हम इसको 4 मिनट के लिए और माइक्रो कर लेंगे। टाइम पूरा हो गया है, मैक्रोनी हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी यहाँ पर ये मैक्रोनी जो है वो बॉईल होके तैयार है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉसेस। तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 चम्मच सेजवान चटनी, 1 चम्मच डाला है मैंने इसके अंदर टमाटो सॉस। उसके बाद डालेंगे यहाँ पर मिक्स हर्ब्स। उसके बाद डालेंगे हम थोड़ा सा इसके अंदर चिली फ्लेक्स। और उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें 1 से 2 चम्मच दूध डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैक्रोनी को। उसके बाद इसके अंदर डाल रही हूँ मैं यहाँ पर चीज़। तो यहाँ पर मैंने प्रोसेस चीज़ लिया है और इन सबको हम डाल के और वापस माइक्रो कर लेंगे। अब हम 1 मिनट के लिए माइक्रो करेंगे और 1 मिनट के बाद ये देखिए टाइम अप हो गया है और ये जो हमारी चीज़ है वो भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टेस्टी चटपटा और यमी सा हमारा मैक्रोनी पास्ता यहाँ पर रेडी हो गया है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से झटपट से मैक्रोनी बना सकते हैं। जब भी बच्चों की डिमांड हो आप तभी उनको बना के इस तरीके से दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा चटपटा मैक्रोनी पास्ता तैयार हो गया। तो बताइएगा आप कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। सबसे लास्ट हैक है मेरा यहाँ पर चटपटी और झटपट से बनने वाली मैगी। हम सभी की फेवरेट होती है मैगी, तो इसको बनाएंगे हम झटपट से माइक्रोवेव में। यहाँ पर मैंने माइक्रोवेव से बाउल लिया है, आधा गिलास पानी डाल दिया है मैंने। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम मैगी, कोई सी भी मैगी आप ले सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम मसाला, मैगी मसाला। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कर लेंगे हम यहाँ पर माइक्रो। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी माइक्रोवेव से रिलेटेड, जिसमें मैंने बहुत सारे हैक्स एंड रेसिपीज़ बताई थी। उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और आप लोगों का बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था मुझे, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप लोगों को इसी तरीके की माइक्रोवेव से रिलेटेड हैक्स प्लस रेसिपीज़ चाहिए। तो मैं इस वीडियो को लेके आई हूँ आप लोगों के साथ। और अगर आपको इसी तरीके की और भी रेसिपीज़ चाहिए माइक्रोवेव से रिलेटेड या हैक्स, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैगी को यहाँ पर माइक्रो कर लेते हैं। तो बाउल को डाल देती हूँ मैं माइक्रोवेव के अंदर। उसके बाद हमें इसको माइक्रो करना है 4 मिनट पर माइक्रो मोड पे। हाई टेम्परेचर रखेंगे हम यहाँ पर, तो 4 मिनट का टाइम मैं सेट कर लेती हूँ। ध्यान रखिएगा टाइमर आप अपने ओवन के टेम्परेचर के हिसाब से सेट करिएगा, थोड़ा बहुत अंतर आता है टाइम और टेम्परेचर पे, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। टाइमर कंप्लीट हो चुका है, मैगी हमारी यहाँ पर परफेक्ट रेडी है। निकाल लेते हैं। जितने भी मैंने हैक्स और रेसिपीज़ इस वीडियोज़ में बताई हैं सारी मैंने माइक्रो मोड पे बताई हैं। टाइम और टेम्परेचर आप अपने ओवन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर चटपटी सी मैगी बनके तैयार हो गई है। आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं फन फूड्स विद कुसुम के नाम से, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आई होप आपको मेरी ये रेसिपीज़ एंड हैक्स की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि इसी तरीके की यूज़फुल सी वीडियोस आपको मिलती रहे। और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।